मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान नहीं जीत सकता। इसलिए कभी मन से हार न माने। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा जी? दिनांक 25 जुलाई 2024 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 4:16 तक चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 10:45 तक राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, व्यापार का ध्यान बनाए रखें, करियर में कुछ परिवर्तन हो सकता है, परिवार का सहयोग बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के भी योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, काम की रुकावट दूर होगी, वाहन सावधानी से चलाएंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की दौड़ भाग हो सकती है, किसी महिला का सहयोग मिलेगा, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, रुके हुए काम बन जाएंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा, परिवार में बेवजह के तनाव हो सकते हैं, अपनी आंखों का थोड़ा ध्यान बनाए रखें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी,
कोई छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, संपत्ति का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।